ये जो परे पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर जो हम जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से जो व्यू जो भी आएगा वो भी हम कवर करेंगे। और मेरे साथ है मेरा ब्रदर, मेरा दिशु। तो यहाँ पर घास बहुत है और गर्मी भी है अभी, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है। अभी हम हैं हम नाले के पास। तो दोस्तों अभी हम बैठे इस पेड़ के नीचे, देवदार के पेड़ के नीचे यहाँ पर, और हमने जो है खाना वगैरह निकाल दिया है और अभी हम खाएंगे खाना। और ये हमारे पास दो कटोरी, यहाँ से होके जो हम आए हैं इस छोटे से घर से नीचे से होके। अभी शायद हमने आधा आधा पहाड़ तो नहीं चढ़ा है, अभी थोड़ा सा और चढ़ेंगे तो आधा चढ़ जाएंगे। देन उसके बाद जो है ये नीचे आपको पेड़ दिखेगा, और यहाँ भी पर भी एक पेड़ है, और यहाँ पर भी एक पेड़ है। ये है ब्रास का पेड़, और जिसके ऊपर आपने देखा होगा ब्रास का जो फूल होता है, लाल रंग का फूल। तो फाइनली जो है हम टॉप के पास पहुँच चुके हैं, और अभी बजे है 12:06, और अभी हमारे पास है थोड़ा और टाइम। मुझे लगा था कि 12:15 तक हम पहुँचेंगे, बट हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए। और तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? सुबह का बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हुई है मॉर्निंग और सुबह की बजे 8:30। वो भी आए हम थोड़ा गांव के साइड्स में जैसे घूमने, और इस गांव का नाम है करोन, और अभी है हम करोन के थोड़ा साइड को जैसे, और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा आगे परे नाले तक, और परे का जो नाला है वहाँ पर पानी का भी कुछ सोर्स वगैरह है, देखेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। चलो चलते हैं उस वाली जगह पर और देखते हैं वहाँ पर हमें कैसा व्यू जो है देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लोगों ने नेट लगाया है। ये जो नेट होता है ये प्लास्टिक का बना होता है, कुछ प्लास्टिक के कुछ धागों से मिलके बना होता है, जो कि ओलों को अंदर नहीं छोड़ता और धूप को जो है आने देता है, और इससे बढ़िया से बचते हैं ओलों से, उन पे दाग नहीं लगते हैं, जिससे कि सेब की फसल जो है एक अच्छे शेप में तैयार होती है। दोस्तों ये वाला जो आपको दिख रहा है छोटा सा घर, इसको बोलते हैं हम घराट, और इसके पीछे से जो है पानी आ रहा है। और पहले के लोग जो है ऐसे घराट जो है नालों में तैयार करते थे, जिसके अंदर जो है लोग आटा पीसने का काम करते थे। और थोड़ा सा जो है मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ, ऊपर जो है खोलने के लिए ऑप्शन है, तो थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ अगर ये खुलता है। अरे जो है यहाँ से निकलने को है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो ये जो घराट है, ये जो है नीचे पानी के साथ मिला होता है, पंखा इसके अंदर होता है नीचे, और वो जो है पानी के साथ घूमता है, चलता है, और ये जो है आटे को पीसता है। इसके साथ दोस्तों लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है लोग जो भी होता है, जैसे गेहूँ हो गए, मक्की हो गए, उसको जो है इसके अंदर डालते हैं, और यहाँ से निकल के जो इसके अंदर जाके ये जो पानी के साथ घूमता है ये घराट, और सारा आटा जो है यहाँ पर इकट्ठा होता है, और जो इन टूल के थ्रू जो एक आटे को इकट्ठा करके लोग जो बोरू में डाल के भरते थे और घर में ले जाते थे। और दोस्तों अभी भी जो है लोग यहाँ के लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये अभी भी एक्टिवेट है, और यहाँ पर जो है नाले के पास जो है ये रहती हैं ये चीज़, क्योंकि पानी के साथ जो है ये चीज़ बिल्कुल फ्री और बहुत ही कॉस्ट फ्री जो है चीज़ आटा पीसने के लिए होता है, और जबकि जो है बिजली से तैयार की हुई चीज़ है उसमें बिजली का खर्च जो है इसमें होता है, बट इसमें किसी भी चीज़ की एनर्जी का यूज़ नहीं होता, सिर्फ जो है पानी का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे से जो है एक पाइप लगी होती है, जो जिसको अगर छोड़ेंगे तो वो जो है घराट को घुमाने का काम करती है। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधा आगे को, और आगे जो गाँव है उसको जो है आपको दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं, और अभी है हम पुल के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं दली गाँव के पास, और अभी हम इस गाँव में एंटर होने वाले हैं, और यहाँ का देखेंगे व्यू वगैरह। तो चलो चलते हैं। दोस्तों भी हम पहुंचे हैं दली गांव के अंदर, और यहाँ पर कुछ ऐसे करके लोगों के घर ये आप देख सकते हो, और ये है यहाँ पर लोकल लोग जो कि यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों ये है दली गांव, यहाँ का कुछ आपको व्यू देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। तो भी हम जाएंगे यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पर जो आगे रास्ता बंद है, और ये है यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से। तो चलो चलते हैं। और दोस्तों ये है पर करोन गाँव, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हम यहाँ से जो है हम आए हैं। और दोस्तों अगर आप थोड़ा ऊपर नज़र मारोगे तो ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगे, ऊपर भी कुछ लोगों के खेत है और नेट जो है वहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसका मतलब जो है वहाँ पर भी जो है लोगों का कुछ लोगों के घर होंगे। और ये है दोस्तों स्पेन, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे हिमाचल में जो है ज़्यादातर जगह पे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो झूला आपको दिख रहा है इसके अंदर सामान को ढोया जाता है परले साइड को, और परे से जो है यहाँ को सामान ढो के जो यहाँ पर रोड में पैक करके जो उसको ले जाया जाता है।
दोस्तों ये है गेहूँ जो कि लोगों ने रखे धूप में सूखने। यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों पैदल जा से आए थे, पैदल जाना। आज हम रहने वाले हैं यहीं और ये हमें नहीं भेज रहे, तो हमने डिसाइड किया तो आज चलो यहाँ रह लेते हैं। और आज हमारे पास पूरा दिन, और पूरे दिन में हम क्या करेंगे, ये जो पर पहाड़ी है इस पहाड़ी के ऊपर जो हम जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से जो व्यू जो भी आएगा वो भी हम कवर करेंगे। और मेरे साथ है मेरा ब्रदर मेरा दिशु, तो हमें रास्ता नहीं पता कहाँ से है और हम रास्ता पूछेंगे। फिलहाल बस हम उस धार के पास पहुँच जाए एक बार, फिर तो हम वहाँ से ऊपर तक जो है बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, मुझे पता है। बाकी चलो बहुत बढ़िया जो जर्नी आज की रहने वाली है। और ये यहाँ के लोगों ने लगा रखे गेहूँ जो कि सूखने के लिए रखे हुए लगा के, तो ये आप देख सकते हो। हाँ जी ब्रदर, तैयार हो आप जाने के लिए? मैं रेडी हूँ। पक्का ना? तो अभी हम खाएंगे थोड़ी देर के बाद खाना खुना, और उसके बाद निकलेंगे हम उधर से ऊपर तक, रास्ता देखेंगे, पूछेंगे लोगों से कहाँ कहाँ से जाते हैं। और बहुत बढ़िया जर्नी जो है रहने वाली है। और आप बढ़िया से जो है ब्लॉग में बने रहो। इस गाँव का नाम क्या है? दली। इसके परे वाला इसका मेरी मेरी ऐसे कैसे नाम है मेरी मेरी। चलो बहुत बढ़िया है, चलो हमारे साथ चलो आज ऊपर चलेंगे आज घूमने ऊपर पहाड़ के ऊपर। ठीक है गाइस, अभी होते हैं बढ़िया से खाना खुना खा के तैयार और हम चलेंगे फिर ऊपर पहाड़ के ऊपर। और हम जाएंगे ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर और अभी हम होएंगे नहा धो के बढ़िया से फ्रेश। हाँ जी दोस्तों, अभी हम हो चुके हैं रवाना, हमने खाना खुना खा के हम चुके हो चुके हैं तैयार और अभी हम जूते वगैरह लगा के चलने की तैयारी पे। और मेरा भाई भी जो है आ चुका है, तो हम चलेंगे ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर। और यहाँ पर है बहुत सारे गाँव इससे आगे देखने को, और देखेंगे कि यहाँ से कैसा व्यू हमें देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली जो है अभी हम निकल चुके हैं घर से, यहाँ से अपनी दीदी के घर से। तो अभी मेरे साथ मेरा ब्रदर दिशु, हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर है डिंग डिंगी गांव करके नाम, और माशा कुछ ऐसे करके बहुत सारे गांव हैं। तो ऊपर से व्यू देखेंगे कैसा व्यू हमें देखने को मिलता है, तो चलो चलते हैं फटाफट करके। तो यहाँ पर एक आंटी थे, इन्होंने हमें बताया इस जगह के बारे में, और ऊपर जगह का नाम है तेलंग। और अभी बजे 10:12-13 कुछ ऐसे, और एक बार टाइम आपको दिखा देता हूँ। दिशु टाइम रहा वाला, टाइम रहा वाला, तो दोस्तों अभी आप ये टाइम देख सकते हो, अभी बजे 10:12 AM सुबह के 10:12 हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और देखेंगे कि इस पहाड़ को चढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम हम ऊपर पहुँचेंगे। और ऊपर से भी जो है हमें बहुत सारे घर जो है देखने को मिलेंगे, परली साइड को जो है और भी गाँव है। ये आप एक बार यहाँ से पहाड़ देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है, और हम ये वाली ऊपर वाली चोटी तक पहुँचेंगे। और अगर जितना जल्दी पहुँचेंगे देन उसके बाद जो हम देखेंगे कितना टाइम हमारे पास बचा है, और उसके बाद हम फिर जो है और भी देखेंगे कि और कुछ घूमने के लिए होगा तो फिर हम उसमें भी घूमेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट करके, हमें रास्ते का बिल्कुल भी नहीं पता, बट इतना पता है अगर हम उधर पहुँच गए तो हमें रास्ता जो बिल्कुल सामने सीधा दिखाई दे रहा है। और बट नीचे से शायद रोड से बोल रहे थे कि रोड से नीचे को एक घर है, उस घर से होके जो हमें जाना है नीचे नाले तक, और नाले से हमें रास्ता जो है सीधा मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं। और धूप भी अभी बहुत तेज लगी हुई है, अभी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है 22 डिग्री टेम्परेचर है कुल्लू का, और यहाँ का भी ऐसा ही है। और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है, और इस पहाड़ी से होकर हम जाएंगे, और धूप बहुत तेज़ लगी है। अगर हवा नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी जाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि पहाड़ी जो होती है उसमें हवा भी चली रहती है ठंडी ठंडी, जिसके कारण चलने का जो है बहुत आसान और बहुत अच्छा जो है हमें रहता है, ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती। और यहाँ से रास्ता है यहाँ से नीचे को, तो हम जाएंगे निचली साइड को, तो परे से जो हम पहाड़ी को चढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट। सो हाँ जी दोस्तों, अभी हम पहुँचे यहाँ नाले के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी हमने करना है नाले को क्रॉस, तो यहाँ से है क्रॉस करने पर थोड़ा सा रास्ता, तो हमें जाना पड़ेगा आराम आराम से। सो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं नाले को यहाँ से क्रॉस, तो ये है नाला। तो दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है, कुनौन गांव के जो हमारे यहाँ पर जिनके वहाँ बैठे थे, कि वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए हमें जो है 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे ही लगेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस पूरे पहाड़ को जो है आधे घंटे में जो है क्रॉस करते थे, और बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और हम निकले थे 10:12-13 पर, और हम देखेंगे कि हम कितने मिनट में
इस पहाड़ी को ऊपर तक जो हम पहुंच पाते हैं, इस पहाड़ी के टॉप तक पहुंच पाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हमें रास्ते का नहीं है पता, रास्ता कहाँ कहाँ से है, तो इसमें थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं रस्तों में, और थोड़ा सा भटकाव जो है हमें रह सकता है, जिसके कारण हमारा टाइम जो है थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा, एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हम पहुँचे किसी के खेत में, और यहाँ पर है कुत्ता भी, तो चलो चलते हैं इनके पास और पूछते हैं इनसे रास्ता। भाई जी, ये पहाड़ी के लिए रास्ता कहाँ से होगा? हम जा रहे हैं ऐसे घूमने टॉप तक। गौर भाई रुकी, हाँ जी, तो ऊपर जाना था, इधर से ही है कि किधर से? इधर से नहीं, वो जी सर रास्ता किसी से बोला? पार फिर ले रास्ते नहीं, पार ला रास्ते बड़ी दवा, पार फिर ले रास्ते थी मिली, पार फिर इसे बोर जाने बैठ रहा हूं ना खुदा पर रोक। अच्छा बुनवा सो बुनी रे किला तब ठीक ना, इस बोर जाना, इस सी पर जाना पड़ी रे, बोर जाना पर मैं उतर पर तैयार हूं दादू और बेश रे तू। अच्छा इस बोर जाए जा, तू कुछ टॉप चला। ओ इन्होंने बताया कि यहाँ से रास्ता आगे क्यों नहीं है, तो इन्होंने पीछे जाने को कहा है, और पीछे से रास्ता है कहीं से, तो अभी रास्ता ढूंढते हैं। और थोड़ा सा इन्होंने वार्निंग भी दी है कि बड़ा डेंजरस रास्ता है, डेंजरस पॉइंट है, तो थोड़ा आराम से जाए, तो हम कोशिश करेंगे हर चीज़ की आराम से चलने की। तो चलो चलते हैं, हमें नहीं मिला पर हम जाएंगे यहाँ से लोगों के बगीचे से होके, यहाँ पर लोगों ने घास वगैरह काटा हुआ है, और इस एरिया में जो है घास भी बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से कहीं से जाने को होगा। फिर तो हो तो सब देख सकते कितना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर घास है। फिर तो दोस्तों यहाँ पर जो है घास इतना बड़ा बड़ा है कि हम खुद ही घासों के अंदर गायब हो जा रहे हैं। और अभी है हम ये सेब के पेड़ के नीचे, और ऊपर है जाली लगी हुई, और यहाँ से मेरा भाई आगे आगे जा रहा है, और घास है बहुत बड़ा बड़ा। रास्ता भटक चुके हैं यहाँ पर, और किसी के बगीचे के अंदर हम फंसे हुए हैं, और इस बगीचे में घास बहुत लंबी लंबी, ये आप देख सकते हो कितनी ऊपर तक जो है जा चुकी है घास। तो हम एक बार यहाँ पर अपना बैग नीचे को फेंक के देखेंगे कितना तक जाता है, फिर हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा के यहाँ से जंप करके नीचे जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके इस जगह के पास, और ये जो ऊपर से हम क्रॉस करके आए इस रास्ते को, और बहुत सारी झाड़ियां जो है यहाँ पर हमें मिली। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के साथ हमने इस रास्ते को क्रॉस किया बैग के सहारे के साथ, और अभी हमें रास्ता मिल चुका है, और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे को, और अभी रहा इस नाले को क्रॉस करना, और इसको क्रॉस करने के बाद हम फाइनली जो है नदी के परली साइड पहुँच जाएंगे, और ऊपर है गांव करौन गांव, और यह है पहाड़ी हमारा टारगेट। तो चलो चलते हैं। फाइनली जो है हमने नाले को कर दिया क्रॉस, और अब हमारा जो अगला मिशन है वो है यहाँ से सीधा ऊपर, और यहाँ से हमें दिख रहा है रास्ता, हम जाएंगे सीधे रास्ते से ओके। और अभी का जो टाइम है वो बजे 10:49, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें 12 बजे तक जो ऊपर पहुँच जाना है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो चलो देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं थोड़ा सा ऊपर, और ये आप यहाँ से एक बार व्यू देख सकते हो, यह यहाँ का कुछ ऐसा व्यू। दोस्तों ये ऊपर करौन गांव, और यहाँ से ओके हम आए सीधा यहाँ रोड तक, और यहाँ से हम आए सीधा यहाँ नीचे से ओके, और हम आए यहाँ बगीचे से ओके, और इसको क्रॉस करके यहाँ को, फिर हम यहाँ से आए, फिर यहाँ से हमने इसको लांग के जो है सीधा यहाँ से ऊपर को आए हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा आगे को। फाइनली हम पहुँच चुके यहाँ तक, और यहाँ से एक बार आप देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है, हमको जो है ना ऊपर वाली चोटी तक, और यहाँ पर एक किसी का घर लेंटर, और वहाँ पर मुझे दिख रहा है पुल छोटा सा
शायद यहीं से असली रास्ता है, पर हमको तो नहीं था पता। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से और परे हुई है लैंडस्लाइडिंग, रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा, हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी हम निकलेंगे आगे को, तो चलो चलते हैं। फाइनली यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, और अभी हम पहुँचे हैं इस घर के पास जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा आगे को। दोस्तों इस जगह पे भी लोगों ने जो है छोटे छोटे सेब के पेड़ लगाए हैं जो करीबन 3-4-5 साल के हो चुके हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पर भी एक टाइम पे सेब का बगीचा तैयार होगा। तो हम जाएंगे अभी यहाँ से, और घास इतनी भर चुकी है कि रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और ऐसी घास में सांप के काटने का भी या फिर सांप का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो चलो हम बहुत ध्यान के साथ केयरफुली तरीके से जाएंगे आराम आराम से। तो दोस्तों यहाँ पर घास बहुत है और गर्मी भी है अभी, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है। अभी हम नाले के पास, और बहुत पसीना जो है आ रहा है, ये रास्ता जो बहुत फिसलन भरा भी है, तो हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल आराम आराम से। चलो चलते हैं। तो दोस्तों यह पहाड़ों का रास्ता जो कि दिखाई नहीं दे रहा है घास फूस के बीच में, और यहाँ से गया पानी का नाला, और यह पर एक कड़ोण गाँव पर आप दिखते हो, और इसके ऊपर तक पहाड़ी और तरह गली गांव ऐसे करके इसका नाम है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर को। अभी आप यहाँ पर पहाड़ देख सकते हो, ऐसे देखने से घास का पता नहीं लगता कि कितना बड़ा घास है, पर जब हम ऐसे नज़दीक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कितना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर घास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेड़ बहुत कम है, और यहाँ पर कुछ पेड़ है पर एक घास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर घास के नीचे ही छुपे हुए हैं ठंड के लिए, धूप से बचने के लिए। ये आप देख सकते हो हमारे फेस को, कितनी गर्मी जो है हमारे निकल रही है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा पहाड़ है, चढ़ने में कितना मुश्किल है, पर हम तो चढ़ते रहते हैं। बाकी कोई अगर सिटी का अगर कोई पर्सन यहाँ पर आता है कोई नीचे से, तो उनके लिए इस पहाड़ को चढ़ना बहुत दिक्कत वाली बात होगी, पर लोकल लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ईजी है, आसान है। और दोस्तों एक बात याद रखना, पहाड़ को हम चढ़ेंगे तो पहाड़ चढ़ना जो है आसान रहता है, पर जब सबसे बड़ी मुश्किल की बात जो है तब होती है जब हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, फिर जो है जगह फिसलन भरी भी होती है, और नीचे को जो है ग्रेविटी भी नीचे को जाती है, जिसके कारण जो है पहाड़ को उतरना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो चलो करते हैं कंटिन्यू आगे ब्लॉग को स्टार्ट। कंटिन्यू आप बढ़िया से वीडियो को देखते रहो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो चैनल को ज़रूर करो, और शेयर भी करो ऐसी वीडियो जो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी चलो करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू आगे स्टार्ट। दोस्तों ये नीचे आपको पेड़ दिखेगा, और यहाँ भी पर भी एक पेड़ है, और यहाँ पर भी एक पेड़ है, यह है ब्रास का पेड़, और जिसके ऊपर आपने देखा होगा ब्रास का जो फूल होता है लाल रंग का फूल, जिसका लोग जूस बना के भी पीते हैं, यह है उस फूल के पौधे, और इसके ऊपर जो बहुत सारे ब्रास के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा ऊपर तक, तो चलो चलते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आधा पहाड़ जो हमने चढ़ लिया है, और आधा पहाड़ जो है चढ़ने को रहा है, यह ब्रास का पौधा, और यह मेरे साथ मेरा भाई। तो यहाँ ऊपर देख सकते हो पहाड़, और यहाँ पर एक गांव कड़ोण गांव, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधा ऊपर को, तो चलो चलते हैं। दोस्तों हम जो है नीचे से होके जो है आए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी बजे हैं 12:02, और ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। और अभी रहा है हमारे को थोड़ा सा और चलने को, हमने टारगेट रखा था कि हम 12 बजे तक जो हम पहुँचने चाहिए, बट 12 बजे तक जो हम थोड़ा सा नीचे जैसे पहुँचे हैं, पर टाइमिंग चलो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगी। जहाँ तक मुझे लगता है 12:15 तक जो हम इस पहाड़ी के टॉप पे बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और भाई जो है आगे चला गया है, मेरा भाई कहाँ गया? दिशो हेड़े उजियद जामड़े। दोस्तों ये नीचे मेरा ब्रदर है, ओके बुन्ने बॉक्स ठंडा। और दोस्तों यह ब्रास के पौधे, और ये भी ब्रास का पौधा है, और यह ब्रदर नीचे से आ रहा है, नीचे से ओके, और यहाँ पर आपको रास्ता भी मिलेगा। और यहाँ पर पहुँच के हमें मिली है बहुत अच्छे से शांति, कि अभी हम पहुँच चुके अपने डेस्टिनेशन के पास। देख सकते हो कहाँ पर नाला है, वहाँ से होके हम आए हैं सीधा ऊपर को, इससे छोटे से घर के नीचे से होके यहाँ से होके सीधा यहाँ से पहाड़ों को चढ़ के। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे, और चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, और फिर ऊपर से दिखाएंगे आपको व्यू पूरी। और दोस्तों यह है देवदार के पेड़, और यहाँ पर छोटे छोटे और बहुत सारे देवदार के पेड़ है,
और दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने प्लॉट तैयार किया है जड़ी बूटी के, जड़ी बूटी या अगर आप हिमाचल से हो तो आप मेरी बात समझ सकते हो मैं किस जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ। ये है यहाँ का कुछ व्यू जो आप देख सकते हो। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली जो है अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप के ऊपर और अभी हम बैठे हैं यहाँ पर रेस्ट करने थोड़ी देर, मैं और मेरा ब्रदर। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पर, और ऊपर है कुछ बंदर जो कि घूम रहे हैं बढ़िया से, और इसका मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर अभी जगह है, यहाँ पर कोई शेर और भालू का डर बिल्कुल भी नहीं है। और अभी यहाँ पर हम बैठे पेड़ की छाया में और धूप भी बहुत तेज़ लगी है। अभी हम थोड़ी देर खाएंगे बैठ के खाना, हमने घर से पैक करके रोटी और दाल भी जो है लाई है साथ में, क्योंकि भूख लगती है जंगल में बहुत ज़्यादा। और इसको पहाड़ को चढ़ने का जो सफ़र था बहुत ही बढ़िया रहा, और कुछ एक पॉइंट हमें बहुत ही डेंजरस लगे, बहुत ही थोड़ा चैलेंजेस लगे, तो उनको हमने बढ़िया से क्रॉस कर लिया। और उनको क्रॉस करते करते जो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर हम जाएंगे थोड़ा और ऊपर वहाँ जैसे तक, फिर वहाँ से जो भी व्यू आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो पूरा, और अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और खाना वगैरह खाएंगे, फिर जो आगे का जो शूट है वो हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का बढ़िया से वीडियो देखने का, और बहुत थक भी गए और बहुत मज़ा भी आया, और इस थकान में मज़ा भी है, और बहुत सारे पहाड़ों को देखने में एक अलग ही मज़ा आता है। हर तरफ जो है हरियाली दिखती है, और एक चीज़ दिखती है कि हर जगह जो है आज की डेट में इंसान बसा हुआ है। अगर आप किसी पहाड़ को लांघते हो तो उस पहाड़ के पीछे भी आपको कोई दूसरा गांव देखने को मिलेगा, दूसरे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि पता चल रहा है कि दुनिया में लोगों की आबादी, लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि दुनिया के लिए डेंजरस भी है। पर अगर हम अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करते हैं, प्लास्टिक फेंकने का, कचरा फेंकने का, और पेड़ों की कटाई को रोकते हैं, जंगलों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, ये जो प्रकृति है, ये जो एनवायरनमेंट है, इसको हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर अच्छे से रख सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही चलते रहे लापरवाही के कारण, जहाँ भी गए वहाँ भी कचरा फेंक दिया, इसकी वजह से हम जो है दुनिया को और प्रकृति को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और प्रकृति को नुकसान पहुँचाने की हमारी बिल्कुल भी औकात नहीं है, और प्रकृति जो है उल्टा हमें ख़त्म करने के ऊपर फिर अपना कदम जो है बढ़ाएगी, अपना एक्शन जो है लेगी। इसलिए जितना हो सकता है प्रकृति को थोड़ा सा बचाए, पेड़ पौधों को बचाए, और जहाँ कहीं पर जो है पॉल्यूशन और कचरा ना फैलाए, ये जो है हमारे लिए और प्रकृति के लिए, सभी जानवरों के लिए, दुनिया भर के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए ये जो है हेल्पफुल और हेल्पफुल रहेगा। बाकी चलो करते हैं ब्लॉग को अभी कंटिन्यू। तो दोस्तों भी हम बैठे इस पेड़ के नीचे, देवदार के पेड़ के नीचे यहाँ पर, और हमने जो है खाना वगैरह निकाल दिया है, और अभी हम खाएंगे खाना। और ये हमारे पास दो कटोरी, और साथ में हमारे पास ये, इसके अंदर हमने लाई है दाल, और ये हमारे पास दो चार बटूरू आपने सुने होंगे अगर आप हिमाचल से हो। अगर आप हिमाचल से नहीं हो तो आपको मैं बता दूं, ये बटूरू है जो कि गेहूं के आटे से बनते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं इसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी लगी हमें भूख, तो अभी हम खाएंगे बैठ के खाना। तो चलते हैं करते खाना शुरू। तो अभी हम हो चुके हैं खाना वगैरह खा के तैयार, और हम रेस्ट भी हमने कर लिया बहुत। और आप यहाँ से पहाड़ देख सकते हो, यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से व्यू, और यहाँ से ओके जो हम आए हैं, और यहाँ से जो है इधर और भी जो है आपको गांव देखने को मिलेंगे, और पहाड़ी के इस साइड को जो है जंगल शुरू होता है, और पहाड़ी की साइड जो है बिल्कुल पहाड़ी है। और यह फूल ये आप देख सकते हो यहाँ पर, चलो चलते हैं यहाँ से ऊपर। हाँ जी दोस्तों, अभी हम डंडा भी टूट गया, अभी हम पूरी तरह से पहुँच चुके हैं यहाँ पर टॉप पे, ये जगह है यहाँ की टॉप, और नीचे आप देख सकते हो नीचे करोण गांव, और इसके साथ यहाँ पर एक और गांव है तेलंग, हाँ ऐसे करके इस गांव का नाम है तेलंग। और इसके साथ इधर है वो पंचाली नारायण जी का मंदिर जो है रुचक में, और यहाँ तक आप देखोगे यहाँ पर थोड़े थोड़े देवदार के पेड़ हैं, और इसके परे भी बहुत सारे गाँव हैं, इन गाँव के नाम हमें नहीं है पता। और ये जो आपको परे गाँव दिख रहा है, ये है डिंग डिंगी करके गाँव, इसके साथ जो नीचे है थाच गांव, इसके साथ जो है यहाँ पर है मुशान गांव। और दोस्तों यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर लोगों ने जो है नेट लगाया है, जाल लगाया है, शायद यहाँ पर भी सेब के पेड़ जो है लोगों ने लगाए हैं, और ओलों से बचने के लिए। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद लगता है कि यहाँ से आगे भी एक और दुनिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे जो है पहाड़ों में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। और अगर आप ऊपर रहोगे तो परे भी आपको छोटे छोटे जो है घर देखने को मिलेंगे, तो जूम करके दिखा देते हैं, ऊपर जो है दो तीन गांव आपको देखने को मिलेंगे, और परे से भी जो है लोगों ने नेट लगाया हुआ है, जाल लगाया हुआ है, और परे जो है लोगों की शेरी है, लोगों के खेत है, लोगों के बगीचे, और परे जो है गाँव है। तो दोस्तों यह है पूरा पहाड़, यह है करोण गांव, यहाँ से हम आए नीचे नाले में, और नीचे जैसे हम जो है पहाड़ों से होके आए हैं, यहाँ से सीधा ऊपर को, और जंगलों से होके, और इस रास्ते से होके सीधा ऊपर को, पर ऐसे छोटी छोटी चढ़ के हम जो ऊपर तक पहुँचे हैं। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप एक बार व्यू देख सकते हो कितना ज़बरदस्त व्यू आपको देखने को मिलेगा।
और ये आप देख सकते हो हमें पहाड़ी की बिल्कुल चोटी के ऊपर, टॉप के ऊपर। और अभी हम इसको करने वाले हैं क्रॉस, और पहाड़ी की चोटी चोटी से होकर जो हम जा रहे हैं। और ये है यहाँ का व्यू, एक बार आप देख सकते हो दोबारा से। और नीचे है गांव, कड़ोन गांव, और यह है तेलंग गांव। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रास्ता हमें मिल चुका है, और ये रास्ता जो है जाता है दूसरी तरफ, दूसरी पहाड़ी की दूसरी तरफ, दूसरे गांव को, और ये रास्ता जाता है नीचे घर की तरफ वापस। सो दोस्तों चलो चलते हैं और बाकी निकलते हैं फटाफट करके बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है घर पर पहुँच सकें मौसम ख़राब होने की, मौसम ख़राब होने से पहले। दोस्तों अगर ठीक ठीक अनुमान लगा के अगर मैं बताऊं तो हम 10:12 तक हम जो है कड़ोन गांव से निकले थे, और 10 बजे और उसके बाद हम 12:05-06 पे हम जो है परे वाली से टॉप जगह पर पहुंचे हैं इस जगह पे, और फिर हम यहां से ऊपर जैसे आके हमने खाना खाया है। तो लगभग 2 घंटे का जो है हमारा सफ़र रहा नीचे से ऊपर तक का, मतलब 2 घंटे में जो है हमने आराम आराम से इस पहाड़ी को तय किया। दोस्तों फाइनली जो है ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और जो भी शूट हमने करना था वो हमने कर लिया, और बहुत बढ़िया सफ़र रहा यहाँ तक, और आने में बहुत मज़ा आया। वहाँ से होकर हम जो है आए नीचे से, और ऊपर से होकर जो हम आए हैं, और ऊपर जो है पहुँचने का हम जो है वापिस अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलो करते हैं ब्लॉग को कम्प्लीट। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है arjun4.11, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और बाकी चलो चलते हैं, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।